हेलो नमस्ते दोस्तों, आज वेब किचन में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही टेस्टी घर पे मालपुए कैसे बना सकते हैं, वो भी गेहूं के आटे के, उसकी विधि बताऊंगी। तो दोस्तों अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी मेरी वीडियोज होंगी उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएंगी। तो हम वीडियो बनाना स्टार्ट करते, तो आप देख सकते हैं गेहूं के आटे के मालपुए बनाने के लिए ये लिए मैंने एक कटोरी गेहूं के आटे की, ये जो नॉर्मल हम लोग रोटी बनाते हैं वो वाला आटा लिया है मैंने। तो अब सबसे पहले लेंगे कढ़ाई, तो ये आप देख सकते हैं मैंने लिया कढ़ाई, कढ़ाई को मैंने धुल लिया था और कढ़ाई अच्छी तरीके से गर्म भी हो चुकी है। तो ये लिया है मैंने एक कप, आप देख सकते हैं दूध, तो दूध डालेंगे इसमें और दूध को एक उकाल आने तक पकाएंगे। तो जब तक दूध में उकाल आएगी जो गेहूं का आटा है उसको भी सेक लेंगे। तो ये लिए मैंने दूसरी कढ़ाई, आप देख सकते हैं दूसरी कढ़ाई को भी मैंने धुल लिया है। तो अब जो गेहूं का आटा था ये जो मैंने लिया था उसको भी डाल देंगे और अच्छी तरीके से इसकी सिकाई कर लेंगे ताकि बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहे। इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस इसमें खुशबू नहीं आनी चाहिए गेहूं के आटे की और ये अच्छी तरीके से सिक जाना चाहिए, बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहना है, इसको छोड़ना है हमको। तो इस टाइम बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको सेक लेना है ताकि इसमें इसका कलर चेंज नहीं हो पाए, बट इसका जो कच्चापन है वही बस चेंज हो। तो इसको अच्छी तरीके से इस तरीके से 1.5 मिनट तक अच्छी तरीके से सेक लेंगे। आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से सिक चुका है और इस टाइम मैंने बिल्कुल गैस का फ्लेम भी बंद कर दिया है और आप देख सकते हैं इसका बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं हुआ है, पर इसमें अच्छी खुशबू आने लग गई थी और अच्छी तरीके से मैंने 1.5 से 2 मिनट के लिए इसको सेक लिया था लो फ्लेम पे। तो आप देख सकते हैं सिक चुका है अच्छी तरीके से और जो मैंने दूध रखा था वो भी गर्म हो चुका है। तो आप ये देख सकते हैं दूध में भी उकाल आ चुकी है। तो दोनों ही का मैंने गैस का फ्लेम कर दिया है ऑफ और हम दोनों ही चीज़ों को ठंडी करेंगे। अगर आप इस गर्म दूध में जो आटा है वो सेका था जो उसको डाल देंगे तो गुठलियाँ पड़ सकती है, इसीलिए बाद में डालना है गेहूँ के आटे को दूध में। तो जब तक ये दोनों चीज़ें ठंडी हो रही हैं हम लोग अपनी चाशनी बनाकर तैयार कर लेते हैं मालपुए के लिए। तो आप देख सकते हैं चाशनी बनाने के लिए ये लिया मैंने भगोनी और भगोनी थोड़ी सी डिप है ये, आप ये भी देख सकते हैं। और ये मैंने लिया है एक फुल कटोरी चीनी, तो इसको डालेंगे और अब इसमें 1.5 कटोरी डालेंगे पानी की। तो अब इन दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, गैस का फ्लेम कर दिया है मैंने ऑन इस टाइम, तो चाशनी को अच्छी तरीके से पका लेंगे और जो चीनी है उसको अच्छी तरीके से मेल्ट कर लेना है चाशनी में। तो आप देख सकते हैं एक उकाल आ चुकी है, तो इसको 5 मिनट के लिए थोड़ा और पकाएंगे और थोड़ी सी गाढ़ी करेंगे और चाशनी को। और अब हमारा भी ठंडा हो चुका है, गेहूं का आटा भी ठंडा हो चुका है, तो उनका पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं गेहूं का आटा बिल्कुल अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है, हाथ में भी आराम से इसको ले सकते हैं गेहूं के आटे को। तो इतना ही इसको ठंडा करना है। तो अब जो दूध था वो भी ठंडा हो चुका है, तो थोड़ा थोड़ा इसमें दूध करते जाएंगे, डालते जाएंगे और अच्छे तरीके से इस तरीके से मिला लेंगे। तो मैंने पूरा दूध डाल दिया, तो अच्छी तरीके से गेहूं के आटे में मिला लेंगे दूध को। तो आप देख सकते हैं थोड़ी सी जो लम्स है उनको अच्छी तरीके से हाथों से दूध को मिक्स कर लेंगे, दूध और गेहूं के आटे को, और इन जो भी लम्स है उनको भी अच्छी तरीके से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और लम्स को ख़त्म कर लेंगे। और पेस्ट की कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरीके से रखनी है। तो आप देख सकते हैं 5 मिनट अच्छी तरीके से चलाकर इसमें मैंने इलायची के जो दाने होते हैं वो डाल दिए थे और बिल्कुल ये इस तरीके से गाढ़ी हो चुकी है, बिल्कुल इस तरीके की गाढ़ी रखनी है। ये हम लोगों को एक तार की चाशनी बनानी है इस टाइम। तो अब चाशनी तैयार हो चुकी है, तो मैंने अब आप देख सकते हैं ऑयल भी चढ़ा दिया है, तो ऑयल भी गर्म हो चुका है। तो आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है पेस्ट भी। तो अब 1 चमचे के लगभग इसमें चाशनी डालेंगे, जो चाशनी बनाई थी उसको डालना है 1 चमचे के लगभग, आप देख सकते हैं ये मैंने चाशनी ली, तो चाशनी डालेंगे और इसको चाशनी को भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे इसमें। और आप एक चीज़ और देख सकते हैं बिल्कुल भी लम्स नहीं है इसमें,
तो इस तरीके की बनाकर तैयार कर लेना है। और इस तरीके का चमचा लिया है मैंने, आप कटोरी का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके के चमचे की मदद से मैं डालूंगी चाशनी मालपुए का घोल तेल में। तो अब ऑयल में डाल देंगे एक चमचे की लगभग, तो इस तरीके से डाल देना, अपने आप ही फैल जाएगा मालपुआ। तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से और भी बनाकर तैयार कर लेंगे। आपको बिल्कुल भी हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही फैल जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने मालपुए को डाल दिया इस तरीके से। तो अभी मैंने इस टाइम मिनी मालपुए बनाए हैं, तो आप देख सकते हैं इसको अच्छी तरीके से मैंने चारों को डाल दिया मालपुओं को। तो इसको फर्स्ट लेयर से अच्छी तरीके से सेकना है। तो इस टाइम 1.5 मिनट के लिए इसको फर्स्ट लेयर से सेकेंगे, तब तेल के ऊपर आ जाएगा मालपुआ, तभी अच्छी तरीके से फर्स्ट लेयर से सेक जाएगा। तब इसको सेक लेंगे और बिल्कुल भी टच नहीं करना है। आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से सेक चुके हैं ये। तो अब इनको इस टाइप का मैंने चिमटा लिया, उसकी हेल्प से पलट लेंगे। कलर देख सकते हैं कितना प्यारा है इनका, तो बिल्कुल आसानी से पलट लेंगे इनको। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने 2.5 मिनट तक अच्छी तरीके से फर्स्ट लेयर से पकाया है। तो इस तरीके से सिक चुके हैं ये। तो अब सेकंड लेयर से थोड़ा सा कम ही सेकना है इनको, सेकंड लेयर से 0.5 मिनट तक सेकेंगे इनको, 30 सेकंड तक। तो आप देख सकते हैं ये सेकेंड लेयर से भी अच्छी तरीके से सिक चुके हैं। इस तरीके से ये आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से सिके सेकंड लेयर से भी। तो इनका अच्छी तरीके से ऑयल निकाल कर इनको चाशनी में डाल देंगे। तो सभी को अच्छी तरीके से ऑयल निकाल कर सभी का, आप देख सकते हैं सभी अच्छी तरीके से सिक चुके हैं सेकंड लेयर से भी। तो मैंने आप देख सकते हैं निकाल लिया है इनको। तो अब दूसरे मालपुए को के घोल को भी डाल देंगे। तो मैंने दूसरे घोल को भी डाल दिया है, तो अब सभी मालपुओं को डाल देंगे। और एक और बार मैंने गैस ऑन कर दिया, तो एक और उकाल लाएंगे। तो आप देख सकते हैं एक उकाल आ चुकी है और अच्छी तरीके से ये डिप भी हो चुके हैं मालपुए। तो गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ और इनको आधे घंटे के लिए मालपुओ को चाशनी में ही रखेंगे, ताकि चाशनी अच्छी तरीके से जा पाए। तो इसी तरीके से सभी मालपुओं को बनाकर तैयार कर लेंगे और फिर सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं इसको मैंने सर्व कर लिया, कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तरीके से गेहूं के आटे को मालपुए बनाकर जरूर ट्राई करें। तो मैंने सिंपल तरीके से गेहूं के आटे के मालपुए बनाने की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।